आज उल्लासनगर मंडल चार की कार्यकारिणी की घोषणा हुई है और इस कार्यकारिणी के हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे मंडल अध्यक्ष इन्होंने सभी कार्यकर्ता को न्याय देते हुए जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता काम करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने वाले ऐसे कार्यकर्ता को पदाधिकारी बनाया हुआ है और आने वाले समय में जिनको भी पद दिया हुआ है वो उनके पद का अच्छा काम करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के जिस स्लोगन है जिस तरह की कि पहले देश फिर पार्टी और फिर खुद, इस तरह से वो पहले हमारे जनता की सेवा करेंगे बाद में पार्टी का काम करेंगे और फिर स्वयं को आगे करेंगे, ऐसे लोगों को ही पद देके आगे करने का काम किया हुआ है। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और हमारे मंडल अध्यक्ष का मैं अभिनंदन करता हूँ कि इतनी अच्छी तरह से ये आज की जो टीम नई बनाई है वो आगे आने वाले समय में काम करेंगे, क्योंकि आने वाला समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण समय है, उस वजह से अच्छे कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई है। आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए आप किस प्रकार से संदेश दोगे कि किस प्रकार से ये कार्यप्रणाली करनी चाहिए? आने वाले तीन तीन चुनाव है, एक MP का चुनाव है, फिर विधायक का है, फिर नगर सेवक का है, और ये सभी जो चुनाव आने वाले सभी को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ता ने अच्छे से अच्छा काम करना चाहिए। मोदी साहब ने जो देश के लिए देश के जनता के लिए जो काम किया है वो जनता तक पहुंचाना हमारा काम है, वो हम काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी ये इस मतदार संघ में चुन के आने वाली है, देश में चुन के आने वाली है। आपने देखे रहेंगे जो दो तीन राज्य में चुनाव हुए उस राज्य के चुनाव के जो हालत आपने देखी हुए कि जो बोलते थे भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी नहीं आएगी, वहाँ पे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आई हुई, उसी तरह से महाराष्ट्र में और देश में भारतीय जनता पार्टी नंबर एक पे गएगी। उसके यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जोश होता है, आपने देखा कितना जोश था, तो यह एक निरंतर प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की। जो हमारे आमदार जी ने बताया कि प्रत्येक 3 वर्षों में संगठन में बदलाव होता है और नए कार्यकर्ताओं को संधि मिलती है, उसी आधार पर कई नए कार्यकर्ताओं को संधि मिली और जिस तरह से आपने देखा कि 4 नंबर मंडल ने जोश के साथ ये काम किया है, तो यहाँ पर जो 25-25 सालों से प्रस्तावित जो अपने आप को समझते हैं उनका विस्थापित होने का समय आया है और मुझे पूरी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक मजबूती की ओर बढ़ रहा है और पूरे शहर में भारतीय जनता पार्टी का एक संदेश जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों के साथ मिलकर अपने शहर का काम करती है, देश का काम करती है, राज्य का काम करती है और हमारे जनप्रतिनिधि हमेशा जितने भी हमारे मतदाता हैं उनके प्रति जवाबदेही होती है उनकी, और कुल मिलाकर मुझे 4 नंबर के जितने भी लोगों को आज यहाँ पर पद मिले हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और मुझे पूरी खुशी है कि वह पदों का पूरा न्याय करेंगे और आने वाले 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यश मिलेगा, इस बात का मुझे पूरा पूरा यकीन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय झूलेलाल। मंडल की आज 4 नंबर मंडल की कार्यकारिणी की घोषणा थी जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को नई जवाबदारी दी गई है और मेरे तरफ से ये ऐसे सब अपने कार्यकर्ता जो जवाबदारी मिली है सबको बखूबी निभाएंगे, ये मेरी सबसे अपेक्षा है। आए हुए सभी मान्यवरों का, सभी आमदारों का, सभी जिला अध्यक्षों मेरा सबका आभार।